हेलो गाइस, स्वागत है माय न्यू ब्लॉग में। तो आप सब क्या कर रहे होगे? गुड मॉर्निंग गाइस। तो मेरे को बताओ कि आप सब क्या कर रहे हो। तो गाइस, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है पहले से, देखो एकदम मस्त, ये देखो। तो गाइस, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और आप बताओ, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? और आजकल वैसे भी यार अपना स्टाइल है, खाऊ में घूमे हुए हैं। तो गाइस, देखते हैं अब क्या करना है क्या नहीं करना। तो नीचे जा रहे हैं अभी, देखता हूँ थोड़ा सा काम करना है मुझे, वो काम करने के बाद आपसे मिलूँगा। फिर चलते हैं बाहर कहीं और, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। काम ये था कि मेरी मम्मी ने बताया था कि ये पिंजरा देख राजा, क्योंकि कल ना मेरे घर पे तोता आया था, तो तोते को हमने थोड़ी देर रखा, उसके टह पर चोट लगी हुई थी, थोड़ी देर रखा उसको, फिर उसके बाद पिंजरे में डाल के रखा, फिर उसके बाद उड़ा, वो कहते हैं हमने इसको वापसी निकाला बाहर, तो वो उड़ गया, हमने उसको छोड़ दिया। तो वही पिंजरा लेकर आया था गोल से अपने फ्रेंड से, तो ये देख सकते हो ये पिंजरा है, तो ये पिंजरा देने उसके घर पर जाना है, तो वह इसको दे कर आता हूँ, फिर इसके बाद चलते हैं उसके घर पे दे रहे हैं। तो चल रहे हैं आप, चलते फिर। तो गाइस, मैं गली में एंटर हो चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ उसको पिंजरा देने। देखता हूँ वो बोलेगा यार इतनी जल्दी छोड़ दिया, तो मैं बोलूँगा भाई उड़ा दिया मैंने, तो ठीक है मिलते उसके पास ही। वाह यार, उसका मैंने झूला भी बना दिया था इसके अंदर, देख सकते हो लकड़ी लगी हुई है। तो झूला बनाते बनाते जा रहे हैं, रिएक्शन देखो रिएक्शन, ये बाइक की बॉडी। तो चलते हैं उसके घर पे, फिर वहीं से शुरू करता हूँ वीडियो। गली में एंटर कर चुके हैं हम, तो देखते रहो, उसकी गली में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पाइपलाइन डल रही है। अब देखो कहाँ पर होगा कहाँ नहीं होगा। तो ये रहा इसका पिंजरा, तो अंकल को देखो कैसे अंदर घुसे पड़े हैं, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो चलते हैं इसके पास ही, भाई राम वो बाहर ही कुल्ला करता है दिख रहा है, वो देखो गोलू को, ओ गोलू। तो गाइस देख सकते हो ये कुल्ला कर रहा है यहाँ पर, यानी कोलगेट कर रहा है, ढंग से कर ले। तो ये देखो अभी उठाया तू, क्यों कब उठा फिर, कितने बजे? 5 बजे उठ गया था, सकल से लग रहा है दोस्त, बताना ये 5 बजे से उठा हुआ है, उससे लग रहा है कि अभी उठा हुआ, ये लग भी नहीं रहा, अभी कोलगेट कर रहा है। नाश्ता भी नहीं करा होगा तूने, तो नाश्ते से पहले ही तू कुल्ला कर रहा है, ये नाश्ते के बाद पहले कुल्ला कर रहा है। तो गाइस देख सकते हो पागलपंती इससे। तो अभी इससे थोड़ी बात करता हूँ, उसके बाद आपसे मिल रहा आगे, जस्ट अभी आगे आया ही हूँ ऊपर। तो मैं एक चीज़ बता रहा था कि और उसके घर में जब उसने नाश्ता करने के लिए बैठा था, क्योंकि उसने नाश्ता नहीं किया, तो वो मजाक कर रहा था उस टाइम, तो नाश्ता करा तो भाभी ने बना रखे थे पकोड़े, एक नंबर के पकोड़े बनाए थे भाई साहब, गोभी गन बिल्कुल एक नंबर के, मज़ा आ गया मेरे को खा के। तो फिर उसको खा के फिर मैं निकला, क्योंकि वहाँ पर मैं इसलिए सूट नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत थी ख़राब ज़्यादा, तो फिर इसलिए मैंने सोचा यार अभी ना अच्छा ही नहीं है, तो वहाँ पर सूट नहीं करता, तो फिर नेक्स्ट टाइम इसके घर पे सूट करूँगा, तो फिर बताता है। और एक नंबर के पकौड़े अभी तक मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो मैंने ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता ना किसी के घर में ज़्यादा खाओ तो बंदा बोलेगा भूखा आ रखा है, क्योंकि घर से मैं नाश्ता करके आ रखा था। तो गाइस, तो उसके बाद फिर मेरे पास आया राहुल का कॉल कि भैया मेरे को ना कहते गोला खाने चलना है, तो हम गोला खाने जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी काफ़ी हो रही है ना दिल्ली के अंदर कि पूछो मत, अपट तपड़ वाली, आजकल सबके घर में फ्रिज खुल गए होंगे, हमारे घर में तो बिल्कुल बिना ठंडा पानी पिए तो पानी नहीं पीते, गर्म पानी तो हाथ ही नहीं लगाना, जो रखा हुआ पानी फिर फ्रिज में निकाल के फिर पीते हैं भाई सब, मज़ा आ जाता है। तो चलते हैं फिर इसके साथ, नीचे जा रहा हूँ मैं, तो वो बोल रहा था भैया जैसे आओ मेरे को कॉल कर देना, ये बता देना कि चल रहा है, तो फिर मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं उसके पास। और उधर बैठा हुआ है, तो चलते हैं उसके पास, तो देखते हैं। तो ये ई रिक्शे के अंदर बैठे हुए हैं दोनों के, तीनों के तीनों मेरे गली के बच्चे। तो ये रहा राहुल, ये रहा राहुल, और ये है क्या नाम है पवन, और भाई का नाम आकाश। आकाश तो ये सामने ही रहता है, यहाँ इसके फ्रेंड है, तो बैठे हुए हैं, तो चल रहे हैं अब गोला खाने। तो कहाँ पर मिलेगा गोला? झील के पास चलना है, तो दोस्त चलते हैं फिर, दोस्तों झील के पास, वहाँ पर देखते हैं कि गोला मिलता है नहीं मिलता, नहीं तो फिर इससे आगे देखेंगे। स्कूल के पास भी तो मिलते हैं ना, तो बचपन में मैं भी स्कूल में बहुत खाता था, तो चलते पहले स्कूल के पास और झील के पास, फिर वहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अली भैया मिल चुके हैं, और राहुल ने बताया था कि निठारी के पास मिले, निठारी नहर के पास, पर ये मिला हमारे को
कि स्कूल के पास, निठारी स्कूल के पास, तो देखो भैया वहाँ पर कितनी भीड़ लगी रहती है बच्चों की, क्योंकि स्कूल के बच्चे आते रहते हैं यहाँ पर। तो चलते हैं भैया से बनवाने। तो गोला तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है बच्चे के, क्योंकि अभी स्कूल टाइम हुआ है। तो ये देख सकते हो आप, तो ये भैया है। भैया अपना नाम क्या है आपका? रंजीत सिंह। क्या? रंजीत सिंह। तो भैया का नाम है रंजीत सिंह। तो कब से लगा रहे हैं कार्ड आप? तो भैया कहते हैं हर गर्मी लगाते हो या उससे पहले भी कुछ काम करते थे? तो भैया हर गर्मी लगाते हैं। तो देख सकते हो कितना अच्छा सा छोटा सा सेटअप बना रखा है भैया ने। तो यहाँ पर बच्चे भी आते रहते हैं, काफ़ी लोग भी लगे रहते हैं, अंकल भी हैं यहाँ पर जो हमारे इधर ही आसपास रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो। तो भैया तो गर्मी 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 और उसके बाद जैसे ठंड का टाइम होता है तो आप क्या करते हो उसके बाद? तो भैया भेलपुड़ी का काम करते थे। तो भैया हमारे लिए 3 गोले लगा दो। तो देख सकते हो भैया के गोले लगा रहे हैं। तो भैया ने गिलास में एकदम से ले रखा है। तो देख सकते हो कितना अच्छा सेटअप है ठोकते हुए। सारे गर्मी में भी पूरे टाइम इतनी लगी रहता है क्योंकि ज़्यादा बच्चों का ही रहता है यहाँ पर। तो देख सकते हो निठारी स्कूल के पास ही है, अपोजिट बिल्कुल कट पे लगाते भैया। तो ये निठारी वाला रोड आ रहा है अपोजिट, उसके सामने ही भैया लगाते हैं बिल्कुल। तो ये गेट नंबर कौन सा है स्कूल का है भैया? ये गेट नंबर पहला है, उसी के सामने भैया लगाते हैं। तो देख सकते हो काला नमक डाला। ये क्या डाला भैया? काला नमक। तो ये कौन से फ्लेवर है? मैंगो है, इलायची है और पाइनएप्पल है। तो कड़ी धूप में मेहनत करते रहते भैया। तो ये देख सकते हो राहुल तो टेस्टिंग करके बताएगा राहुल हमारे को। तो ये देखो राहुल हो गया, ये हो गया। तो एक बार टेस्ट करके बताओ। करो मस्त है भाई। और भाई दूसरा एकदम ठंडा ठंडा। तो गर्मी के टाइम यही ज़्यादातर खाते हैं, बस गर्मी के समय इसी टाइम यूज़ करते रहते बंदे, सब बहुत खाते हैं। स्कूल के टाइम हम भी आते थे, तो हम भी स्कूल के टाइम जब हमारी भी लाल बिल्डिंग के स्कूल में हम भी पढ़ते थे रोहिणी सेक्टर 20 में, तो हम भी बाहर आके हम भी ऐसी भैया ऐसी कोई सेटअप लगाते थे एक अंकल, तो हम भी उसके साथ उनके साथ शेयर करके खाते थे। और काफ़ी फ्रेंड भी आते थे हमारे साथ स्कूल के टाइम पर। तो देख सकते हो देखा दिखाइयो। तो जूम देखो भैया, भैया कितने रुपए का ये? 5 रुपए। ये वैसे है कितने का? ये देखो इतनी कम, पहले उस टाइम हम खाते थे 5-5 रुपये, अब तो काफ़ी डिमांड हो गई है और काफ़ी अब महंगाई भी है उस तरह से। अब देखो काफ़ी ज़्यादा डाल रखा है। तो इसको फोन आया था इसका, और ये काला खट्टा खाना है, ये गोला खाना है। तो देखो तो मिलते हैं अभी इसके बाद फिर आपसे घर पे, काफ़ी गर्मी लग रही है तो फिर मिलते हैं। The next day मेरे घर पे मेहमान लोग आ गए थे, मौसी मौसाले लोग आ गए थे, उनके बच्चे और उनकी फैमिली से भी कुछ लोग आ गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए थे इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया कल, क्योंकि मैं वीडियो को एंड नहीं कर पाया। और यार क्या बताऊँ, उनके बच्चे इतने शरारती थे कि पूछो मत, कि भैया ये कर दो, कभी भैया वो कर दो, तंगी सी तंग सा आ गया था बिल्कुल।
तो गाइस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो करते हैं यहीं एंड। तो चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और छोटा सा कमेंट तो ज़रूर करे करो यार, तुम तो कमेंट ही नहीं करते। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।